लेकिन हम बात करने वाले एशिया कप पर, जो बड़ा मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, ये सब लोग जानना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि लोग शोएब भाई की यूट्यूब पर ना जाकर, आकाश भाई के यूट्यूब पर ना जाकर, जी न्यूज पर ये बात जाने कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो आकाश भाई, पहले तो आप बताओ कि आपके हिसाब से इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। देखिए, मुझे लगता है रोहित के साथ शुभमन गिल बतौर ओपनर, 3 पे कोहली 4 पे अय्यर 5 पे ईशान। अगर नवाज और शादाब ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो हो सकता है, और लंबी पारी होगी तो आप ईशान को हो सकता है 4 पे देख लें। उसके बाद श्रेयस और ईशान 5 और 4 और 5, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा। उसके बाद मैं, क्योंकि सामने पाकिस्तान है, हालांकि ये पिच थोड़ी सी शायद स्पिनर को मदद करेगी, पर रेन अफेक्टेड गेम, अंडरलाइज कहीं हो सकता है बॉलिंग पड़ जाए आपके हाथ में, तो शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर, और फिर कुलदीप यादव, बुमराह एंड शामी। तो मतलब काफी, आकाश भाई ने कह दी बड़ी बात, एक तो पहले ये फ्लैश कर दो, किसने कहा था थंबनेल बोलना बंद करो, ब्रेकिंग न्यूज लगाना शुरू करो। एक तो हम भी डिजिटल से ऊपर नहीं हो पा रहे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आकाश भाई, इस प्लेइंग 11 में एक दो चीजें हैं जो मुझे आपसे पूछनी है। पहली बात तो ये पूछना है मेरे को कि आपने ये तय कर लिया कि इस टीम में शामी, सिराज और बुमराह, ये तीनों फास्ट बॉलर एक साथ नहीं खेल सकते। नहीं खिलाएगी भारत। खिलाने चाहिए पर नहीं खिला पाएगी, क्योंकि भारत को 8 नंबर पे एक बैटर चाहिए। ये बात ना, ये रोहित का, जब से रोहित कप्तान बने इस टीम के, राहुल द्रविड कोच बने, ये कांस्टेंट थीम रही है कि हमें 8 पे कोई बैटर चाहिए, 8 पे कोई बैटर चाहिए। अगर 8 पे बैटर चाहिए, या तो वो अक्षर है या फिर वो लॉर्ड ठाकुर है, आपके पास वो तीन फास्ट बॉलर खिलाने का विकल्प ही नहीं बन के आ रहा है। वो आप तभी कर सकते हैं, आप कुलदीप को ड्रॉप करें, और कुलदीप को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आई मीन इस टीम में, इन दोनों टीमों के मिला के देखे तो कुलदीप इज द बेस्ट लेग स्पिनर अभी, और बहुत मिस्ट्री के साथ आता है। तो कुलदीप को अगर आप टच नहीं करेंगे तो तीनों को इकट्ठे आप खिला नहीं पाएंगे, एज मच एज यू वॉन्टेड टू हैपन, पर होगा नहीं। पर विराट कोहली पर, मेरे को विराट कोहली के बारे में आपने नंबर 3 कर दिया, बड़ा नॉइज है कि विराट कोहली को नंबर 4 पर आना चाहिए। तो आपके हिसाब से नंबर 3 ही है वो खिलाड़ी, या फिर नंबर 4 पर भी आ सकता? अच्छा, ये केएल राहुल वाले उनको पसंद है, शट द नॉइज। क्योंकि सी आई मीन, अभी शोएब से अगर आप पूछोगे भाई विराट कोहली कहां बैटिंग करते देखना चाहते हो, तो वो कहेंगे विराट कोहली को नीचे भेजो यार, भेजो 4 पे। उन्होंने कह दिया नंबर 3 दे देते।